नमस्कार, MSW न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके से डिस्कस करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल में नीट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट रह सकती है, स्टेट कोटा के हिसाब से किस रैंक तक किस कैटेगरी में एडमिशन हो सकते हैं, इसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मल्हाड़ मेडिकल कॉलेज की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 29,949 नंबर तक जो है आपके एडमिशन हो सकते हैं। वहीं OBC के लिए 30,283 रैंक तक आपके एडमिशन होने की संभावना है। OBC B की बात की जाए तो 32,485 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। SC कैटेगरी के लिए 122,666 रैंक तक आपके बार एडमिशन हो सकते हैं। ST कैटेगरी की बात की जाए तो 378,752 रैंक तक आपके बार एडमिशन होने की संभावना है। अगर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 29,395 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। OBCA की बात की जाए तो 29,521 रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। OBC B के लिए जो है 32,617 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। SC कैटेगरी की बात की जाए तो 121,200 जो आपका 78 तक भी एडमिशन हो सकते हैं। ST कैटेगरी के लिए 433,060 अगर आपकी रैंक यहाँ तक भी है तो भी एडमिशन होने की संभावना है। अब की बार पिछली बार से ज़्यादा जो है एडमिशन होंगे, क्योंकि अब की बार ऑल इंडिया में 25% सीटें बढ़ा दी गई है, इसी वजह से आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा भी है तो भी एडमिशन होने की संभावना बनी है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सार्गदत्ता हॉस्पिटल, अगर इस कॉलेज की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 22,034 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। वहीं OBC A के लिए 23,653, OBC B के लिए 23,025 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। SC कैटेगरी की बात की जाए तो 1,03,435 रैंक तक, वहीं ST के लिए 379,076 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं 307,976 रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। इस बार जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने कई वीडियोज़ में बताया है, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो ज़रूर चेक कीजिएगा हमारे चैनल पर विजिट करके। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी, अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 24,635, OBCA के लिए 22,661, OBC B के लिए 25,686, SC कैटेगरी के लिए 128,095 और ST के लिए 387,046 रैंक तक अब की बार जो है कॉलेजों में एडमिशन हो सकते हैं। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हमने बताया है उनमें कि किस कॉलेज के अंदर कौन सी जो आप नंबर तक एडमिशन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिदनापुर मेडिकल कॉलेज मिदनापुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए 28,569, OBCA के लिए 28,700, OBC B के लिए जो आपको 29,933 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। SC कैटेगरी की बात की जाए तो 119,198, ST के लिए जो आपको 390,240 रैंक तक आपके बारे एडमिशन होने की संभावना है। अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस वक्त आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा उस वक्त इसका ध्यान रखिएगा। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उस पर हमने कई वीडियोज़ बनाई है, किस कॉलेज पर क्या क्या फीस रहने वाली है वेस्ट बंगाल के अंदर, इस पर भी हमने वीडियोज़ बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो ज़रूर चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूट ना पाए। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो आपका ये भविष्य का फैसला है इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम आए। इंस्टीट्यूट ऑफ PG मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, अनरिजर्व्ड के लिए 15,356, OBCA के लिए 15,449, OBC B के लिए 16,481, SC कैटेगरी के लिए आपके 72,435, ST के लिए 260,698 रैंक तक आपकी बारिश कॉलेज के अंदर एडमिशन होने की संभावना है। अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। साथ के साथ हम आपको बता दें कि इस बार अगर आप नंबर के हिसाब से कट ऑफ देखें तो आपको 20 से 25 नंबर का इजाफा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रैंक की बात करें तो अब की बार किसी के ज़्यादा नंबर रैंक ज़्यादा भी है तो एडमिशन हो सकता है। और नंबर इजाफा इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन का पेपर का होता है लेवल कम था और आसान पेपर आया था, इसलिए बच्चों के नंबर खूब आए हैं, भर भर के नंबर आए हुए हैं। लेकिन रैंक की बात करें तो उसके हिसाब से हो सकता है अब की बार आपका अगर थोड़ी रैंक कम भी है तो भी एडमिशन हो जाए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आपका हम वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक